हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइज, आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा देखा गया है, लेकिन कई लोगों को इसके टॉपिक के बारे में पता नहीं है। तो गाइस, टॉपिक का नेम है सूडो प्रेगनेंसी इन बिच। बिच मींस जो फीमेल डॉग होती है वो। सूडो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? झूठी प्रेगनेंसी। अब डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डिस्प्ले ऑफ मैटरनल बिहेवियर टुगेदर विद फिजिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोइंग ईस्ट्रस इन ए नॉन प्रेगनेंट एनिमल। मतलब क्या होता है, जो बिच होती है वो अपना मैटरनल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगी, बॉडी के अंदर फिजिकल साइंस शो होने स्टार्ट हो जाएंगे कि वो ईस्ट्रस में है या वो प्रेग्नेंट है। अब गाइस, सूडो प्रेगनेंसी को और किन किन नामों से बोला जाता है, मींस उसके सिनोनिम्स क्या है, वो है, फर्स्ट है फॉल्स प्रेगनेंसी, सेकेंड इज फैंटम प्रेगनेंसी, थर्ड इज हिस्टेरियल प्रेगनेंसी। गाइस, एक वर्ड और है जो सूडो प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है सूडोसाइसिस, जिसे हम सूडोसाइसिस बोलते हैं। अब माइंड में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाई सूडो प्रेगनेंसी अकर, सूडो प्रेगनेंसी क्यों होती है? देखो गाइस, जब ईस्टर साइकिल चलती है तब जो एलएच सर्ज होता है वो काफी ज्यादा पीक पे चला जाता है, जो क्या करता है, ओवुलेशन कॉज करवाएगा, और जो रिमेनिंग फॉलिकल्स होते हैं वो कार्पस लूटियम में चेंज हो जाते हैं। अगर कार्पस लूटियम परसिस्ट कर गया देन एनिमल गेट्स प्रेग्नेंट, अगर कार्पस लूटियम डीजेनरेट कर चुका है तब एनिमल गेट्स नॉट प्रेगनेंसी। ठीक है, सो कार्पस लूटियम अगर रिमेन है तो वो प्रेग्नेंट होएगी। अब देखो गाइज, आफ्टर 60 डेज के बाद प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज और प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज ड्यू टू दिस प्रोलैक्टिन मदर बिहेवियर चेंजेस। यानी जब 60 डेज हो जाएंगे उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल तो डिक्रीज कर जाएगा और प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दिस प्रोलैक्टिन मदर बिहेवियर चेंजेस। अब गाइस, साइंस ऑफ सूडो प्रेगनेंसी, मतलब साइंस क्या क्या आते हैं। पहला फिजिकली देखें तो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो जाएगा, एब्डोमिनल डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर मैं फिजियोलॉजिकल की बात करूं, मैटरनल लाइक बिहेवियर शो होगा, नेस्टिंग करेगी और डिगिंग करेगी, लिकिंग करेगी, मोदरिंग ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब वो अपनी एक ममता शो करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। और गाइज, रिलीज ऑफ मिल्क, यानी जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिबलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी मिल्क की। एनोरेक्सिया यानी भूख ही नहीं लगेगी, एग्रेसिव, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी वो। ठीक है, और जो लैक्टेशन एंड मिल्क विल रिलीज फ्रॉम द टिट। अब गाइज, पॉइंट आता है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो गाइज, ट्रीटमेंट मस्ट है। गाइज, पहले आता है ब्रोमोक्रिप्टिन की टैबलेट आती है, आप वो दे सकते हैं, कैबरगोलिन की टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, नॉन स्टीरोइड के अंदर मेट्रोगोलिन आता है, ये दे सकते हैं। सेक्स स्टीरोइड में स्टिलबेस्टेरोल एंड टेस्टोस्टेरोन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अब एक फिटिंग के लिए एक ई कॉलर नाम से आता है। अब ई कॉलर का काम क्या है, वो प्रिवेंट करता है लिकिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि वो अपने मेमोरी ग्लैंड को लिक नहीं कर पाएगा, इसलिए उस चीज को प्रिवेंट करेगा। अब जो ई कॉलर में जो ई है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एलिजाबेथन कॉलर। तो गाइज, आज का टॉपिक मैं यही एंड करूंगा, बिकॉज आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इतना ही ज़्यादा मेन है। तो गाइज, मैं नॉर्मली एक देसी भाषा में बताता हूँ, सूडो प्रेगनेंसी है क्या। गाइज, सूडो प्रेगनेंसी कई बार क्या होता है, जो फीमेल बिच होती है वो प्रेगनेंसी के सिम्टम शो करती है, लेकिन वो प्रेगनेंट नहीं होती, उसके अंदर बेबीज नहीं होते, तो हम उसे ऐसे देख के भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर बेबीज है या सूडो प्रेगनेंसी का केस है। इसलिए हमें अगर चेक करना है कि इसके अंदर जो यूट्रस के अंदर एब्डोमेन की कैविटी के अंदर बेबीज हैं या पपीज हैं, तो उसकी अल्ट्रासाउंड करवाना मस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय।